पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब और फैसल अमीन की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने दोनों दरख्वास्त गुजारों की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट ने मुतालिका हुकाम से तफसीलात तलब कर ली है, इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान ककाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात तलब की गई हैं? अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और मेंबर कौमी असम्बली फैसल अमीन जो है पिशावर हाईकोर्ट आए थे और उन्होंने जो है मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त पर समाअत दो रुकनी बेंच ने की है। अदालत ने 19 दिसंबर तक जो है वो हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और मुतल्लिका इदारों से जो है तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली है। जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जो मालूम मुकदमात है उसमें थे उन्होंने जो है वो जमानत ले ली है, लेकिन नामालूम मुकदमात की तफसीलात फराम नहीं की जा रही है। इसलिए इस्तदा है कि वफाकी हुकूमत नैब FIA और दीगर इदारों से जो है वो तफसीलात तलब की जाए, जिस पर अदालत ने जो है दरख्वास्त मंजूर कर ली हिफाजती जमानत देते हुए मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब करके 19 दिसंबर तक केस जो है वो मुलतवी कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे।